हेलो स्टूडेंट्स, तो आज अपन पढ़ेंगे क्रोसिस। ओके, जेनेटिक्स में क्या पढ़ेंगे? क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस, ट्राईहाइब्रिड क्रॉस। ओके, मोनोहाइब्रिड क्रॉस किसे कहते हैं? व्हेन वन कैरेक्टर इज इंक्लूडेड, एक कैरेक्टर अगर अपन इंक्लूड करते हैं देन उसको क्या कहते हैं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस से। ओके, मोनो हाइब्रिड क्रॉस मीन्स ओनली वन कैरेक्टर इज इंक्लूडेड। वन कैरेक्टर अगर हम लेते हैं, कैरेक्टर, ओके, तो मोनोहाइब्रिड में एक करेक्टर लेंगे। जैसे हमने लिया टॉल पी प्लांट, उसका अपोजिट कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर क्या होगा? ड्वार्फ पी प्लांट। ओके, तो मेंडल ने क्या किया था? पेरेंट प्लांट कौन से लिए थे? प्योर लाइन या ट्रू लाइन। ओके, प्योर लाइन का मतलब क्या होता है? होमोजाइगस। तो मेंडल ने इंक्लूड किए थे टॉल पी प्लांट। टॉल पी प्लांट का जीनोटाइप क्या होगा? ये प्योर लाइन है बिकॉज इसमें दोनों डोमिनेंट है। ओके, होमोजाइगस है। तो इसको क्रॉस करवाएंगे किससे? इसको हमने क्रॉस करवाया प्योर लाइन शॉर्ट पी प्लांट या ड्वार्फ पी प्लांट से। ओके, तो ये तो क्या हो गई? पी जनरेशन, पेरेंट जनरेशन। इसको क्या बोलेंगे? पी जनरेशन। ओके, अब इनकी क्रॉसिंग करवाएंगे। क्रॉसिंग करवाने से पहले क्या करेंगे अपन? इनका गैमेट बनाएंगे। तो इसका गैम इसके गैमेट क्या क्या बनेंगे? इसके गैमेट बनेंगे टी एंड टी। ओके, दोनों डोमिनेंट टी आएंगे। और इसके गैमेट बनाएंगे तो क्या क्या बनेंगे? स्मॉल टी। ओके, दोनों के गैमेट बन गए। अब इनको क्या करेंगे? हम क्रॉस करवाएंगे। क्रॉस करवाने के लिए अपन इनको क्या करते हैं? पन्नेट स्क्वायर में रखते हैं। तो पन्नेट स्क्वायर में इनको अरेंज करेंगे। पन्नेट स्क्वायर मैंने पिछले वीडियो में बताया था आप लोगों को। ओके, तो एक तरफ तो हम क्या रखेंगे? टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी डोमिनेंट फैक्टर रख लिए हमने। और दूसरी तरफ क्या रखेंगे? रेसेसिव फैक्टर्स। ओके, अब इनको हम क्रॉस करवाएंगे। तो क्रॉस के बाद जो जनरेशन मिलेगी हमें वो क्या कहलाएगी? F1 जनरेशन। ओके, F1 मीन्स फर्स्ट फिलियल जनरेशन। तो टी को टी से क्रॉस करवाया तो क्या मिला? टी टी स्मॉल टी। तो चारों कैसे मिले? टॉल पी प्लांट बट दे ऑल आर हेट्रोजाइगस। ओके, हेट्रोजाइगस है, एक टॉल है और एक ड्वार्फ है। तो ये कौन सी जनरेशन मिली हमें? ये तो थी पी, ये कौन सी हो गई? F1 जनरेशन। F1 जनरेशन। तो इसमें सारे हमें कैसे मिले? एक जैसे। ओके, ऑल आर इक्वल। अब इनकी क्या करवाएंगे हम? नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्रॉसिंग करवाएंगे, सेल्फिंग करवाएंगे। सेल्फिंग मीन्स इनका आपस में ही मैटिंग करवाएंगे या क्रॉसिंग करवाएंगे। तो आपस में ही मैटिंग करवाने के लिए किसको किससे क्रॉस करवाएंगे? टी टी को टी टी से। तो टी टी क्रॉस विद टी टी यानी आपस में सेल्फिंग करवाना कहते हैं इनको, एक ही जनरेशन के प्लांट को क्रॉस करवाने को। ओके, अब इनके वापस गैमेट बनाइए। तो गैमेट क्या बनेंगे? टी टी और इसके टी टी, इसके भी सेम। अब इनको चेकर बोर्ड में अपन प्लेस कर देते हैं। तो चेकर बोर्ड बनाया अपन ने। ये दिख रहा है बच्चों आप लोगों को? तो इसको, इन वाले गैमेट को इधर रखती हूँ और इनको अपन
इधर रखते हैं। अब इनको क्रॉस करवाएंगे अपन तो ये मिलेंगे अपने को, ये कौन सी जनरेशन मिलेगी अपने को, एफ टू जनरेशन। तो क्या क्या जीनोटाइप मिला अपने को एफ टू जनरेशन में, ये क्या हो गई एफ टू जनरेशन। ओके, एफ टू जनरेशन में एक तो हमें मिला होमोजाइगस टॉल पी प्लांट, और दो हमें क्या मिले हेट्रोजाइगस टॉल पी प्लांट, और एक क्या मिला होमोजाइगस ड्वार्फ पी प्लांट। तो इनका इसका क्या निकालेंगे अपन F2 जनरेशन का, फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो। तो इसमें फिनोटिपिक रेशियो एंड जीनोटिपिक रेशियो क्या मिलेगा अपने को F2 जनरेशन में, फिनोटिपिक रेशियो को शॉर्ट में क्या कहते हैं पी रेशियो, पी रेशियो, और जीनोटिपिक रेशियो को शॉर्ट में क्या बोलेंगे जी रेशियो। तो आप लोगों को ये रेशियो पता होना चाहिए, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है इसकी, ये चेंज नहीं होती कभी भी। ओके, तो F2 जनरेशन में फिनोटिपिक एक जैसे दिखने में एक जैसे कितने प्लांट लग रहे हैं, ये भी टॉल होगा, ये भी टॉल होगा, ये भी टॉल होगा, तो तीन तो हो गए टॉल और एक हो गया ड्वार्फ। ओके, तो फिनोटिपिक रेशियो क्या हो गया F2 जनरेशन में 3:1। ओके, और जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा, मींस इनके जीन किन के सेम है। तो ये तो हो गया कैपिटल टी कैपिटल टी, एक तो हो गया ये, दूसरा हो गया दो हो गए हेट्रोजाइगस टॉल, और तीसरा हो गया होमोजाइगस ड्वार्फ। तो जीनोटिपिक रेशियो F2 जनरेशन में क्या हुआ मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 1:2:1। तो ये स्टैंडर्ड रेशियो है, ये कभी बदलता नहीं है, मेंडल के टाइम से ही यही रेशियो चला जाएगा। ओके, तो ये याद रखना है अपने को फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक। तो ये अपन ने क्या पढ़ा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब मैं बताऊंगी आप लोगों को डाईहाइब्रिड क्रॉस। डाईहाइब्रिड में क्या करेंगे अपन, दो करैक्टर इंक्लूड करेंगे। डाईहाइब्रिड मान लो कि अपन ने दो करैक्टर कौन कौन से इंक्लूड करेंगे, एक तो ले लेते हैं टॉल पी प्लांट, और दूसरी तरफ क्या ले हैं अपन दूसरी तरफ कुछ भी ले लेते हैं, जैसे तो डाईहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस इसमें क्या करेंगे टू करैक्टर कौन कौन से लेंगे, मान लो कि वही हम इसमें भी क्या लेंगे प्योर लाइन, प्योर लाइन मीन्स होमोजाइगस, दोनों करैक्टर के लिए क्या होना चाहिए होमोजाइगस होना चाहिए। तो एक तरफ मान लो हमने लिया टॉल पी प्लांट, और क्या लिया रेड फ्लावर मान लो, सपोज कर रहे हैं, या रेड ना लेके अपन क्या लेते हैं वॉयलेट कलर का फ्लावर। ओके, तो ये तो हो गया एक प्लांट, और दूसरा इसको क्रॉस करवाएंगे किससे, वही प्योर लाइन से करवाएंगे, तो इधर क्या आएगा ड्वार्फ पी प्लांट और वाइट फ्लावर। ओके, तो ये तो क्या हो गई पेरेंट जनरेशन पी जनरेशन, ये एफ टू डाईहाइब्रिड क्रॉस है। ओके, अब इसके गैमेट बनाएंगे, इसके गैमेट क्या बनेंगे, कितने गैमेट बनेंगे इसके, चार गैमेट बनेंगे इधर और चार गैमेट बनेंगे इधर। डाईहाइब्रिड क्रॉस में टोटल कितने गैमेट मिलेंगे अपने को 8 गैमेट। तो इसमें सारे गैमेट एक जैसे मिलेंगे, टी को वी से मिलाया, फिर इसको टी को वी से मिलाया, तो क्या मिलेंगे चारों टी वी। ओके, टॉल एंड वॉयलेट, तो चार गैमेट अपने को टी वी मिल गए। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से 4,
ठीक है, और इधर गैमेट क्या मिलेंगे, सारे एक जैसे मिलेंगे, चारों क्या मिलेंगे, स्मॉल टी एंड वाइट फ्लावर, ये भी कितने मिले, फोर। ओके, अभी इसको क्या करेंगे, अपन चेकरबोर्ड में रखेंगे, तो अपने को क्या मिलेगी, डायहाइब्रिड क्रॉस की F1 जनरेशन। तो इसका चेकरबोर्ड बनाने के लिए क्या करना होगा अपने को, ओके, तो अब इधर ये रख देंगे अपन टी वी, सारे कौन से आएंगे, टी वी कैपिटल टी कैपिटल वी, और इधर क्या आएंगे, स्मॉल टी एंड स्मॉल वी सारे। ओके, इसको क्रॉस करवाया इससे तो क्या मिलेगा अपने को, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल वी स्मॉल वी, तो सारे एक जैसे मिलेंगे, 16 प्लांट 16 प्लांट सारे एक जैसे मिलेंगे। ओके, तो ऑल आर इक्वल, तो इसका रेशो क्या आ जाएगा, अपने पास मिलेगा ये रेशो 16:0, और सारे क्या मिलेंगे, हेटरोजाइगस। अब इनके अपन ये कौन सी जनरेशन हो गई, F1 जनरेशन, फर्स्ट फिलियल जनरेशन। अब इनके अपन क्या करवाएंगे, सेल्फिंग करवाएंगे, सेल्फिंग मीन्स इनका आपस में ही क्रॉस करवाएंगे हेटरोजाइगस का, तो टी टी और वी वी, इसको क्रॉस करवाया किससे, इसी जनरे इसी जीनोटाइप से, फिर इनके गैमेट बनाएंगे। ओके, तो गैमेट बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, इसका गैमेट बनाएंगे तो क्या मिलेगा अपने को, टी वी ऐसे करके चार गैमेट मिलेंगे, इधर भी और इधर भी क्या मिलेंगे अपने को, फोर गैमेट। फिर अपन इसको पनेट स्क्वायर में रखेंगे, ओके, तो इसके क्या क्या गैमेट बने, टी वी, फिर क्या बना, टी वी, फिर क्या बना, टी वी, और फिर क्या बना, टी वी, और इधर भी सेम गैमेट बनेंगे, टी वी और स्मॉल टी और कैपिटल वी। ओके, अब इनकी क्रॉसिंग करवाएंगे तो अपने को F2 जनरेशन में अपने को क्या टाइम सेव करना है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तो अगर क्रॉस करवाने वहाँ एग्ज़ाम में बैठ गए तो बहुत सारा टाइम अपना इसी में कंज्यूम हो जाएगा, तो इसके लिए क्या है, अपने को पी रेशो एंड जी रेशो को डायरेक्टली याद कर लेना है। ओके, तो F2 जनरेशन में, डाई हाइब्रिड के F2 जनरेशन में पी रेशो, फिनोटिपिक रेशो क्या आता है और जीनोटिपिक रेशो क्या आता है, तो पी रेशो आएगा इसमें, रेशो इसमें क्या आएगा F2 जनरेशन में, ये आएगा 9:3:3:1। ओके, और इसमें जी रेशो अपने को क्या मिलेगा, जी रेशो अपने को मिलेगा 1:2, ये थोड़ा लंबा है, ये अपने को याद करना होगा। ओके, ट्वेल्व वन जा ट्वेल्व, ओके ऐसे याद कर लीजिए आप लोग, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, ओके एंड 12 1 जा 12 और 1 एक्स्ट्रा रह जाता है।
तो ऐसे ये जी रेशो मिलेगा एफ टू जनरेशन में, और ये पी रेशो 9:3:3:1। तो ये अपन ने डायहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा। ट्राईहाइब्रिड आपको वैसे आपके कोर्स में है नहीं, याद करने की जरूरत नहीं है। ट्राईहाइब्रिड मोनो एंड डाई का फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो याद करना है अपने को। इसका एक दूसरा फॉर्मूला भी है, उससे भी अपन रेशियो अगर इस तरीके से भूल जाए तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला रख के भी अपन इसका रेशियो निकाल सकते हैं। तो उसका मैं फॉर्मूला बता देती हूँ आप लोगों को, किस फॉर्मूले से दूसरे तरीके से भी रेशो निकाल सकते हैं। तो मोनोहाइब्रिड के लिए क्या रेशो मिला था अपने को एफ टू जनरेशन में? पी रेशो क्या मिला था अपने को? 3:1। और जी रेशो क्या मिला था? जीनोटिपिक रेशियो अपने को मिला था 1:2:1। ओके। और डाईहाइब्रिड में अपने को पी रेशियो क्या मिला था? पी रेशियो 9:3:3:1। और जी रेशियो जीनोटिपिक रेशियो क्या मिला? 12:12:24:12:1। ओके। तो इस रेशियो को अपन फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। तो मैं आप लोगों को इधर बताती हूँ कैसे निकालते हैं रेशियो। पी रेशियो निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? पी रेशो के लिए फॉर्मूला है 3 n। क्या है यहाँ? नंबर ऑफ करेक्टर। ओके। तो मोनोहाइब्रिड के लिए नंबर ऑफ करेक्टर n, क्या n की वैल्यू क्या आएगी? 1। और डाईहाइब्रिड के लिए 2। तो अब रख के देख लीजिए आप लोग, अगर यहाँ 1 रखते हैं तो मोनोहाइब्रिड के लिए क्या आया? 3:1। और 1 = क्या हुआ? 3:1। तो मोनोहाइब्रिड के लिए पी रेशो सेम जा रहा है। ओके। और डाईहाइब्रिड के लिए पी रेशो, दो करेक्टर इंक्लूड करेंगे इसमें, तो 3:1 और 2। ओके। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, 3:1 मल्टीप्लाई बाय 3:1। ओके। तो ये क्या आएगा? 9:3:3:1। ये पी रेशो आ गया डायहाइब्रिड। ओके। और जी रेशो निकालने के लिए फॉर्मूला क्या आएगा? जी रेशो निकालने के लिए फॉर्मूला विल बी 1:2:1 एन। अब मोनोहाइब्रिड के लिए एन की वैल्यू 1 रख लीजिए, और डायहाइब्रिड के लिए एन की वैल्यू कितनी आएगी? 2। ओके। तो अगर इसको ऐसे करके देखें तो मोनोहाइब्रिड के लिए क्या हो जाएगा? 1:2:1। ये एक बार ही आएगा, तो ये हो गया पी रेशो मोनोहाइब्रिड के लिए, जी रेशो सॉरी। और डायहाइब्रिड के लिए क्या हो जाएगा? 1:2:1। 2 से करो इसको तो क्या आएगा? ये आ जाएगा यही वाला अपने पास। ओके। तो इस मेथड से भी अपन निकाल सकते हैं, और वैसे तो निकालना ही है चेकरबोर्ड से। तो आज अपन ने मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड पढ़ा। तो जल्दी से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और कोई भी क्वेश्चन अराइज होता है देन यू कैन आस्क मी, कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। ओके।